हेलो गाइस, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी चैप्टर 12 ऑफ नाइन्थ क्लास साइंस। साउंड, वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 12 साउंड का सॉल्यूशन कर लेते हैं। साउंड मीन्स होता है ध्वनि, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। एक्सप्लेन कीजिए कि आपके स्कूल की बेल से ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। एक्सप्लेन कीजिए कि आपके स्कूल की बेल से ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। इसका आंसर आएगा व्हेन द बेल रिंग, जब बेल बजती है। जब बेल बजती है इट कंटिन्यूसली टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड विद क्रिएट्स वाइब्रेशन एंड सिमल्टेनियसली अ सीरीज ऑफ वाइब्रेशंस एंड रेरेफेक्शंस विच प्रोड्यूस अ वेरी लाउड साउंड। तो यह आगे और पीछे चलती है जो कंपन पैदा करती है, ठीक है। जो कंपन पैदा करती है और साथ ही साथ बहुत तेज वेरी लाउड आवाज उत्पन्न करने वाले संपीड़न और दुर्लभता की एक श्रृंखला होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स? ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं? इसका आंसर देखते हैं। साउंड वेव्स नीड मीडियम टू प्रोपेगेट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं, दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन द एब्सेंस ऑफ अ मीडियम, माध्यम के अभाव में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, ठीक है। ध्वनि होती है वो गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंगों का संचरण माध्यम में उपस्थित कणों के परस्पर क्रिया कारण होती है, ठीक है। साउंड वेव्स आर प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। मान लीजिए कि आप और आपका फ्रेंड चंद्रमा पर है। मान लीजिए कि आप और आपका फ्रेंड चंद्रमा पर है। विल यू बी एबल टू हेयर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड? क्या आप अपने फ्रेंड द्वारा उत्पन्न कोई ध्वनि सुन पाएंगे? इसका आंसर आ जाएगा नो, बिकॉज साउंड वेव्स नीड अ मीडियम थ्रू विच दे कैन प्रोपेगेट। नहीं, बिकॉज ध्वनि तरंगों को एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से वे प्रचार कर सके, ठीक है। एंड सिंस देयर इज नो मीडियम ऑन द मून ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन, कैन नॉट हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय हिज हर फ्रेंड ऑन द मून। और चूंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है, ठीक है।
चंद्रमा पर अपने मित्र द्वारा उत्पन्न कोई ध्वनि नहीं सुन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद वेव्स प्रॉपर्टी डिटरमाइंस कौन सी तरंग संपत्ति निर्धारित करती है। कौन सी तरंग संपत्ति निर्धारित करती है। फर्स्ट में दिया गया है लाउडनेस, लाउडनेस में होता है प्रबलता, पिच। ठीक है, नेक्स्ट आंसर देखते हैं इसका। एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस लाउडनेस ऑफ साउंड वेव्स, आयाम ध्वनि तरंग की प्रबलता को निर्धारित करता है। ठीक है, आयाम ध्वनि तरंग की प्रबलता को निर्धारित करता है। सेकेंड पॉइंट में दिया गया फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन पिच ऑफ अ साउंड वेव्स, आवृत्ति ध्वनि तरंग की पिच निर्धारित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज विच साउंड हैज अ हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न। अनुमान लगाइए कि किस साउंड की पिच अधिक है, गिटार या कार का हॉर्न। इसका आंसर देख लेते हैं। गिटार हैज अ हायर पिच देन कार हॉर्न, गिटार की पिच कार के हॉर्न की तुलना में अधिक होती है। बिकॉज साउंड प्रोड्यूस बाय द स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार हैज हायर फ्रीक्वेंसी एंड सिंस पिच इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी पिच ऑफ गिटार विल बी हायर। बिकॉज क्योंकि गिटार के तारों द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है और चूंकि पिच आवृत्ति के समानुपाती होती है इसलिए गिटार की पिच अधिक होगी, इसलिए गिटार की पिच अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड्स एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव्स। ध्वनि तरंग की तरंग धैर्य आवृत्ति समय अवधि और आयाम क्या है। व्हाट आर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड्स एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। ध्वनि तरंग की तरंग धैर्य आवृत्ति समय अवधि और आयाम क्या है। इसका आंसर देख लेते हैं। वेवलेंथ, वेवलेंथ मीन्स होता है तरंग धैर्य। वेवलेंथ इज द लेंथ बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूट पिक्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर लेम्बडा। तरंग धैर्य तरंग की दो लगातार चोटियों के बीच की लंबाई है जिसके ग्रीक अक्षर लेम्बडा द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, जिसके ग्रीक लेटर्स लेम्बडा द्वारा प्रदर्शित या दर्शाया जाता है। ठीक है, लाउडर साउंड है शॉर्टर वेवलेंथ एंड सॉफ्टर साउंड हैज लॉन्गर वेवलेंथ। तेज ध्वनि की तरंग धैर्य कम होती है। ठीक है, तेज ध्वनि की तरंग धैर्य कम होती है पर मृदु ध्वनि की तरंग धैर्य लंबी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है आवृत्ति। द नंबर ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। एकांक समय में उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों की संख्या को ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, उसे ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन सेकंड, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। आवृत्ति सेकंड से मापा जाता है। ठीक है, आवृत्ति सेकंड से मापा जाता है। बारंबारता को ग्रीक अक्षर वी से निरूपित किया जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एम्पलीट्यूड मीन्स होता है आयाम। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑन ईथर साइड।
ऑफ द नॉर्मल पोजिशन और मीन्स वैल्यू इन अ मीडियम। आयाम तरंग का आयाम किसी माध्यम में सामान्य स्थिति या माध्य मान के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ का परिमाण है। ठीक है, दोनों विक्षोभ का परिमाण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द थ्री मीडिया, एयर, वाटर और आयरन, डस्ट अराउंड ट्रेवल द फास्टर एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर? वायु, जल या लोहा? वायु, जल या लोहा, तीनों माध्यम में से किसमें ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज गति से चलती है? ठीक है, वायु, जल या लोहा, तीनों माध्यमों में से किसमें ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज गति से चलती है? इसका आंसर देख लेते हैं। साउंड ट्रेवल द फास्टर इन सॉलिड मीडियम है आयरन देन इन लिक्विड वाटर एंड इट इज द स्लोएस्ट इन गैसेस। देयरफॉर फॉर अ गिवन टेम्परेचर साउंड ट्रेवल्स एज फॉलो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, आयरन, वाटर, एयर। ध्वनि ठोस माध्यम, यहाँ आयरन में सबसे तेज गति चलती है, यहाँ पर आयरन में सबसे तेज गति चलती है, फिर तरल पदार्थ जैसे वाटर में, और यहाँ गैसों में वायु में सबसे धीमी गति से चलती है। इसलिए किसी दिए गए तापमान के लिए ध्वनि निम्नानुसार चलती है, घटते क्रम में हमें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आयरन, वाटर, ये मतलब लोहा, पानी, वायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई आर द सेलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल्स करवट? कंसर्ट हॉल की छतें घुमावदार क्यों होती है? इसका आंसर देखते हैं। सेलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल्स आर करवट टू। कंसर्ट हॉल की छतें घुमावदार है। फर्स्ट में दिया गया है इनहेंस लाउडनेस एंड चो ऑफ साउंड क्रिएटेड, निर्मित ध्वनि की प्रबलता और प्रतिध्वनि को बढ़ाए। निर्मित ध्वनि की प्रबलता और प्रतिध्वनि को बढ़ाए। साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। परावर्तन के बाद ध्वनि दीवारों से सभी दिशाओं में समान रूप से फैलती है। ठीक है, सभी दिशाओं में समान रूप से फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर? एवरेज ह्यूमन कान की श्रव्य सीमा क्या है? इसका आंसर आएगा द ऑडिबल रेंज ऑफ एन एवरेज ह्यूमन ईयर इज बिटवीन 20 हर्ट्ज तो 20,000 हर्ट्ज। एक औसत मानव कान की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एसोसिएट विद, उससे संबंधित आवृत्तियों की सीमा क्या है? इसमें दिया गया है इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। इसका आंसर आ जाएगा इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड का आ जाएगा फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्तियों। इसमें क्या होती है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्तियाँ, और अल्ट्रासाउंड इसमें होता है 20 फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियाँ होती है इसमें। ठीक है,